हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं स्वेद मवी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि एक सिक्स्थ क्लास का है, नोइंग आर नंबर्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नंबर्स होते क्या हैं। नंबर्स डिजिट्स को मिला के बनते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 10 ले लिया, तो 10 क्या है, हमारे पास एक नंबर है जो कि 1 और 0 को मिला के बना है। ठीक है, अब हम आगे ये देखना है कि ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स क्या होते हैं और वो कैसे बनते हैं। तो जैसे हमारे पास ये 0 है, ये क्या है, हमारे पास स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर है, और ये 9 क्या आ गया, हमारे पास ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर आ गया। वैसे ही 10 हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, और ये 99 हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हो गया। 100 हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, और ये 999 हमारे पास क्या हो गया, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो आइए अभी हम ये देखते हैं कि हम नंबर्स कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास ये फर्स्ट एग्जांपल है, चलिए आइए उसको रीड करते हैं। हाउ मैनी डिफरेंट 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 0 2 5 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट इन द नंबर। तो आपको क्या करना है, आपको 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, आपको डिजिट यूज करने हैं 0 2 एंड 5। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे बनाओगी, तो आपको डिजिट कौन से लेने हैं, 0 2 एंड 5। मान लो मैंने सबसे पहले क्या ले लिया, 2 ले लिया। अगर मैंने 2 आगे ले लिया तो उसके बाद 0 ले सकती हूँ सेकंड पे, और थर्ड पे क्या ले सकती हूँ मैं, 5 कोमा, ये मेरे पास एक नंबर बन गया। और क्या बन सकता है, 2 को मैं आगे रखूंगी, अभी 5 को आगे रख लेती हूँ, 0 को पीछे रख लेती हूँ, एक मेरे पास यह नंबर बन गया। फिर थर्ड नंबर क्या होगा, उसमें मैं 5 को आगे रख लेती हूँ और 0 को उससे पीछे, और उसके बाद 2, और 5 को अभी आगे रखूंगी, अभी 2 को यहाँ पे और 0 को यहाँ पे रख लेती हूँ। तो कितने नंबर्स बन गए मेरे पास, 4 नंबर्स बन गए। तो एक बात का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप 0 को आगे नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आपने 0 को आगे लिख लिया, मान लो आपने लिख लिया 0 टू 5, तो ये तो आपके पास 2 डिजिट नंबर हो गया, पर आपको कौन से नंबर्स बनाने हैं, 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। तो कितने नंबर्स बन गए हमारे पास, ओनली 4। तो उन्होंने यही पूछा था कि हाउ मैनी डिफरेंट 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर इज 4। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये थी आपकी फर्स्ट एग्जांपल, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अभी हम ये देखते हैं कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर्स कैसे बनते हैं। बेटा ध्यान दो कि ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए आप डिक्रीजिंग ऑर्डर यूज करोगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स जो भी आपको डिजिट गिवन है, आप उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे। एंड स्मॉलेस्ट बनाने के लिए आप इंक्रीजिंग ऑर्डर यूज करोगे, मीन्स आप डिजिट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे। मान लो मेरे पास नंबर्स हैं, एक मैंने ले लिया 5, एक मैंने ले लिया 7, एक मैंने ले लिया 8, सॉरी 5, 7, 8, मेरे पास ये डिजिट्स हैं। मैंने इनको क्या करना है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बनाना है। मैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट के लिए जी यूज कर रही हूँ, तो जी हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर कितना आ जाएगा। हमने ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए डिजिट्स को क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो लिखिए सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, 8, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 7। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 5। तो ये बन गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अब हम बनाते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट के लिए मैं ऐसे यूज कर रही हूँ, तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ जाएगा, इसके लिए आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो आप पहले क्या लिखोगे, 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8। तो ये आपका क्या बन गया, स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अभी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कि ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट हम कैसे बना सकते हैं। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2, मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग द डिजिट 4, 6, 7 बाय रिपीटिंग एनी डिजिट ट्वाइस। अभी आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं, आपको डिजिट कौन से यूज करने हैं, 4, 6, 7। यहाँ पे ध्यान दो, आपके पास 3 डिजिट नंबर है,
पर आपको क्या बनाने हैं, फोर डिजिट नंबर बनाने हैं, तो इतना मीन्स आपको एक नंबर रिपीट करना पड़ेगा। तो स्मॉलेस्ट में आप कौन सा नंबर रिपीट करोगे, जो छोटे वाला है, तो यहाँ पे छोटा नंबर कौन सा है, फोर है, तो इसीलिए मैंने ये फोर को रिपीट कर लिया, 4.6.7.4। तो हमने अभी इन डिजिट को यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करोगे आप, छोटा डिजिट, फिर उससे बड़ा सेट, उससे बड़ा मतलब 4, 4, 6, 7 और ग्रेटेस्ट, तो ये आपका क्या बन गया, स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। अभी हमने बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाओगे आप, बड़े नंबर को 2 बार यूज करोगे, तो मैंने यहाँ पे 7 को 2 बार यूज कर लिया, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा, सबसे पहले क्या लिखोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको करना है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, बड़ा डिजिट मीन्स 7, 7, 6, 4, तो ये आपके पास क्या आ गया, ग्रेटेस्ट नंबर आ गया। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी ये एग्जाम्पल। तो आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल का एक पार्ट मैं आपको कराऊंगी, बाकी आपको खुद ट्राई करने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में आपको इसके आंसर बताने हैं कि कितने आए हैं। फर्स्ट, मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी फोर डिफरेंट डिजिट सच दैट डिजिट 6 इज ऑलवेज इन टेंस प्लेस। तो आपको अभी यहाँ पे ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं, पर यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 6 क्या होना चाहिए, टेंस प्लेस पे होना चाहिए, 6 टेंस प्लेस पे होना चाहिए, तो यहाँ पे 6 लिख लेते हैं हम, क्योंकि ये तो हमें चाहिए। तो अभी हमने क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है डिजिट को यूज करके, पर डिजिट कहाँ है, डिजिट तो हमें गिवन ही नहीं है, तो हम अपनी तरफ से मैंने ये नंबर डिजिट ले लिए 9876543210। तो अभी आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे, बड़ा नंबर लिखोगे, ठीक है, तो क्या आएगा 9, उसके बाद क्या आएगा 8, उसके बाद तो 6 लिखा ही है, तो यहाँ पे कितना आएगा 7, तो नंबर क्या बन गया हमारे पास 9867, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अभी आपको क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट कैसे बनाओगे, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए कंडीशन हमारी वही है कि आपको 6 कहाँ पे चाहिए, टेंथ प्लेस पे चाहिए, तो मैंने पहले ही 6 यहाँ पे लिख लिया। तो अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, छोटा नंबर क्या है, 0 है, पर हम 0 को आगे नहीं लिखेंगे, तो 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, तो हम आगे 1 लिख लेंगे, 0 हम सेकंड प्लेस पे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे लास्ट पे क्या आएगा, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया, 1, 0, 6, 2, तो ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो जो और 2 पार्ट्स हैं वो आपको ट्राई करने हैं और मुझे इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 1 मिनट आपको दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको घर पे ट्राई करो और मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स बताओ। थैंक यू।